8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497, 4 समुद्री जहाज और 170 आदमी पुर्तगाल की तट से भारत की ओर रवाना होते हैं। दक्षिण की ओर केप ऑफ गुड होप होते हुए यह भारत में 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कलिकट नामक स्थान पर आगमन करते हैं। इस समुद्री बेड़े को लीड कर रहे थे वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की। मैं प्रियमदा इजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इजी क्लासेस भारत का एकमात्र पोर्टेबिलिटी युक्त संस्थान है जो कि आईएएस एस्पिरेंट्स को उनके बेस्ट मेंटर्स द्वारा तैयार करता है। आज हम बात करेंगे वास्को डिगामा और पुर्तगालियों के भारत आगमन की। कैसे वास्को डिगामा ने ये एक्सपेडिशन स्टार्ट किया, कब ये एक्सपेडिशन स्टार्ट किया और किन किन समुद्री मार्गों से होते हुए वो भारत आए। वास्को डिगामा एक खोजी नाविक थे। इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में साइनस नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता भी खोजी नाविक थे और इन्हें राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि भी प्राप्त थी। अपने पिता का व्यवसाय चुनते हुए इन्होंने भी खोजी नाविक बनने की ठान ली और वो भी समुद्र में यात्रा पर जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को जो भारत जाने के लिए एकमात्र रास्ता पता था वो ज़मीन से होकर जाता था और ये रास्ता बहुत ही राजनीतिक मुश्किलों से भरा पड़ा था। कैसे? क्योंकि कई देशों को आपको पार करके भारत आना होता था, फिर उन देशों से राजनयिक संबंध अच्छे होने चाहिए थे, फिर उन देशों को टैक्सेस भी पे करना पड़ता था, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था। प्लस ये काफ़ी ख़तरनाक भी होता है क्योंकि आपको इतने देशों को पार करके जाना पड़ा है, कब डेकॉयट्स अटैक हो जाए, कब कौन सा राजा आपसे नाखुश हो जाए, कब कोई आपको बंदी बना ले, आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए यह जो रास्ता था ये काफ़ी लंबा, खर्चीला और ख़तरनाक था। इसीलिए पुर्तगाल के राजा का विचार था कि अगर पुर्तगाल से भारत के लिए कोई समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाए तो भारत के मसाले वो यूरोप में बेच कर काफ़ी अमीर बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत आने का जो विचार था वो सर्वप्रथम एक अन्य पुर्तगाली खोजी जिनका नाम बार्टोलोमियो डियास था उनके द्वारा रखा गया था। हालांकि इन्होंने भारत की खोज नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट हॉल्ट या पोर्ट की खोज की जो कि आज की डेट में भी समुद्र के जरिए जितनी भी ट्रेडिंग होती है उनमें खासा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यूरोप से जो भी जहाज़ आज भी आते हैं वो वहीं पर हॉल्ट लेकर जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वो भारत की ओर पहुंचते हैं। जी हाँ, इन्होंने केप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में आशा अंतरीप कहते हैं, उसकी खोज की। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एकदम ही एक्सट्रीम दक्षिणतम पॉइंट, जिसे एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर स्थित समुद्र तट पर स्थित एक छोटा सा स्थान है। और ऐसा माना जाता था कि जैसे ही आप पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे आपको भारत मिल सकता है। इसीलिए पुर्तगाल के राजा ने वास्को डिगामा और कुछ साथियों को यूरोप से भारत के बीच जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज करने के लिए इस एक्सपीडिशन पर भेजा और उनसे कहा गया कि आप केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए भारत की खोज करें और रास्ते में जितने भी कंट्रीज़ मिलते हैं, जो भी ट्रेडिंग पॉइंट मिलते हैं, अगर किसी से भी व्यापार बढ़ाने का आपको मौका मिलता है तो उसका भी पता लगाएं। वास्को डिगामा ने 8 जुलाई 1497 को अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया। 4 समुद्री जहाज और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल की तट से ये भारत की ओर रवाना हुए। 22 नवंबर को ये केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट है, ये वहाँ पर पहुँचे। फिर अफ्रीकन तट के साथ साथ उत्तर की ओर ये बढ़ते गए और जितने भी इन्हें व्यापारिक बंदरगाह मिले वहाँ पर ये अपना पड़ाव डालते गए। फिर लास्ट में 14 अप्रैल 1498 को ये मालिंदी पोर्ट पहुँचे, जो कि वर्तमान में केन्या में है। यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। यहाँ पे इनकी मुलाकात एक स्थानीय नाविक जिसका नाम अब्दुल मनीफ था, ये गुजराती था, उनसे हुई और उसने वास्को डिगामा की जो भारत की समुद्री मार्ग की जो खोज थी उसमें सहायता की। मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डिगामा अपने 4 समुद्री बेड़ों के साथ 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कलिकट नामक स्थान पर पहुँचे। कलिकट में यहाँ पर एक फेमस बंदरगाह था जिसका नाम कप कबाड़ू था, यहाँ पर उन्होंने अपना बेड़ा उतारा। मलयालम भाषा में कलिकट को कोझिकोड भी कहा जाता है। इस पूरे एक्सपीडिशन में वास्को डिगामा को 10 महीने लग गए पुर्तगाल से भारत आने में।
यहाँ आते ही जैसे ही वो भारत पहुँचे, उन्होंने वहाँ के स्थानीय राजा जिनका नाम जमुरिन था उससे मुलाकात की और व्यापारिक लाभ लेने की कोशिश की। लेकिन राजा के दरबारी जो थे वो मुस्लिम थे और पोर्टुगीज़ जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। उन मुस्लिम दरबारियों ने यह व्यापारिक लाभ सुनिश्चित ना हो सके इसलिए काफ़ी अड़चनें पैदा की। भले ही उन्हें व्यापारिक लाभ ना मिला हो, लेकिन अगस्त 1498 को वास्को डी गामा अपने देश की ओर लौट पड़े। वहाँ पर इनका जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोग और वहाँ के राजा ने इनके ऊपर इनामों की बरसात कर दी। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने पहली बार पुर्तगाल से भारत की समुद्री मार्ग की खोज चुकी थी। इनकी वजह से ही अन्य यूरोपियंस और जो भी पुर्तगाल थे वो बाद में भारत आए और अपना ट्रेडिंग जो भी व्यापार था वो एस्टैब्लिश किया। ये एक समुद्री मार्ग और उसके थ्रू जो ट्रेडिंग हो रहा था उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनकी वजह से भारत और पुर्तगाल के बीच जो भी व्यापारिक संबंध थे उसमें इजाफा हुआ, ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई और काफ़ी सारे पुर्तगाली लोगों का भारत में होल्ड बढ़ गया, क्योंकि पुर्तगाल यहाँ पर सेटल डाउन होने लगे और लोकल लोगों से शादी करने लगे। जब वास्को डी गामा तीसरी बारी भारत आए तो यहाँ पर थोड़े दिन बाद वो मलेरिया से ग्रसित हो गए और उसकी वजह से 23 दिसंबर 1524 को मलेरिया के वजह से वास्को डी गामा की मौत हो गई। आधुनिक काल के भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः जो विदेशियों का आगमन था वो यूरोप से ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था यहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, नौकायन के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, नेविगेशन के क्षेत्र में, और यहाँ के राजा काफ़ी पैसे खर्च करते थे नेविगेशन के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना दबदबा स्टार्ट करना था, ट्रेडिंग अलग अलग देशों से करनी थी, तो समुद्र मार्ग सबसे ईजी और सेफेस्ट वे होता है, कम खर्चे वाला होता है। इसीलिए वो चाहते थे कि नेविगेशन का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हो, और आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी कॉम्पिटिशन भी था इसको लेकर। इसीलिए अलग अलग जो भी कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ के यात्रियों ने अलग अलग स्टेट की खोज की। जैसे कि 1494 में कोलंबस जो स्पेन का यात्री था निकला तो वो भारत की खोज के लिए था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर ली। देन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बार्टोलोमियो डियाज, जिसने कि 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। फिर वास्को डी गामा जो निकला अमेरिका की खोज के लिए था, लेकिन उसने 20 मई 1498 को भारत की खोज कर ली। ऐसे कई सारे यूरोपियन यात्रियों ने अलग अलग स्टेट की खोज की, क्योंकि ये नेविगेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना कर रहे थे और इनके जो राजा थे वो भी इन पर काफ़ी सारा पैसा इन एक्सपीडिशंस पे खर्च करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में कंपटीशन करते थे और वो सोचते थे कि हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए उस कंट्री से, हम मोनोपोली स्टार्ट कर लें और हम अमीर और डेवलप्ड और इससे ज़्यादा बन जाएं। इसी वजह से इन्होंने नेविगेशन के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किया। उस समय जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो चाहते थे कि भारत के साथ एक समुद्री मार्ग की खोज हो जाए और उसके साथ वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत के जितने भी स्पाइसेस थे, जो सूती जो भी कपड़े थे, सूती वस्त्र उद्योग था या जो भी सिल्क था, उसका यूरोप में काफ़ी क्रेज़ था। तो जितनी भी कंट्रीज़ जो भी नेविगेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रही थी वो सोच रही थी कि हमारी मोनोपोली स्टार्ट हो जाए, हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें और हम यूरोप में इस बाज़ार को और तेज़ी से बढ़ाएँ और जल्दी डेवलपमेंट और अमीर बन जाए। और इसकी वजह से यूरोपियंस का भारत में आगमन होना शुरू हो जाता है। जिनकी स्टार्टिंग में इच्छा तो सिर्फ ट्रेडिंग करने की थी, व्यापार करने की थी, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर उनकी राजनीतिक इच्छा दृढ़ हो जाती है और वह यहाँ पर राज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहला यूरोपियन कंट्री था जिसने भारत में आगमन किया वो थे पोर्टुगीज़, जो कि मैं ऑलरेडी विस्तारपूर्वक बता चुकी हूँ, और पहला पुर्तगाली यात्री जो था वो थे वास्को डी गामा। लेकिन दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ पुर्तगालियों का भारत में आगमन है, हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले, इसलिए हम इस टॉपिक पे स्टिक रहते हुए सिर्फ पुर्तगालियों का भारत में आगमन और उन्होंने इस भारत देश के लिए क्या किया या क्या अपना योगदान दिया उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। पहला व्यक्ति तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वास्को डी गामा, पहले पुर्तगाली व्यक्ति, पहले यूरोपियन जिन्होंने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत में प्रवेश करता है उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, जो कि 1500 ईस्वी के आसपास आया। और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत में 1502 में आते हैं। पूर्व जगत के मसालों और काली मिर्च पर मोनोपोली स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से 1503 में पोर्टुगीज़ फर्स्ट टाइम कोचिन में
कोचिन में फर्स्ट अपना दुर्ग स्थापित करते हैं, फोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अपना जो फर्स्ट फोर्ट या दुर्ग स्थापित किया वो कोचिन में 1503 में किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसराय जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो 1505 से 1509 तक भारत के वॉइसराय रहते हैं। 1503 में अल्मीडा गुजरात, टर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं और द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, और द्वीप के अधिकार के बाद ही हिंद महासागर में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरता है वो होते हैं पुर्तगाली। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो भारत का वॉइसराय 1509 में बनता है उसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में अल्बुकर्क बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लेता है, और कालांतर में दूसरे वॉइसराय जिनका नाम नीनू डी कुन्हा था उन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो कोचिन से गोवा हस्तांतरित कर दी। लेकिन जो गोवा छीनने का श्रेय जाता है वो अल्बुकर्क को ही जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने इसे अपनी व्यापारिक राजधानी नियुक्त किया था, लेकिन जो एक्चुअल राजधानी थी वो अभी भी कोचिन थी। बाद में इसे नीनू डी कुन्हा ने कोचिन से गोवा हस्तांतरित कर दिया। एनीवेज अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों मानते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्यों नहीं, क्योंकि पहले वॉइसराय तो वही थे, क्योंकि अल्बुकर्क ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए जो पुर्तगाल के जो निम्न स्तरीय पुर्तगाली थे, जो लोअर स्टेटस के जो भी पुर्तगाली थे, उन्हें भारत बुलाकर यहाँ पे जो लोकल जो स्थानीय लोग थे उनकी लड़कियों से विवाह संबंध स्थापित करवाए, यहाँ पे पोर्टुगीज जितनी भी पुर्तगाली बस्तियाँ थी उनको एस्टैब्लिश कराया, क्योंकि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई। इससे क्या होता, यहाँ पर कभी भी लोकल लोगों के बीच में इनका कन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए होते हैं। दूसरा, काफ़ी दिनों तक इनका होल्ड रहता और ये अपना व्यापार जो जो इनका ट्रेडिंग जो मोटिव था उसको सुचारू रूप से चला सकते थे, और पुर्तगालियों का जो होल्ड था वो भी काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और देखते ही देखते धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत में होल्ड काफ़ी बढ़ जाता है। फिर कई सारे पुर्तगाली वॉइसराय हुए जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी नहीं है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या योगदान दिया, क्या उन्होंने भी पुर्तगाल से कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा इनोवेशन भारत को दिया जो कि भारत के लिए नया था? जी हाँ, उन्होंने तंबाकू की खेती, जहाज़ों के निर्माण की फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1556 में भारत को अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस मिला जिसका श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में पुर्तगालियों के साथ ही गोथिक स्थापित्य कला की भी शुरुआत हुई। पुर्तगालियों ने कि जो कल्चर था, उनका जो रहन सहन था, उनकी बोल भाषा, वो आज भी हम गोवा और दमनदीप जैसी जगहों पर देख सकते हैं जहाँ पर इन्होंने लंबे समय तक राज किया। पुर्तगालियों के बाद कई सारे और भी यूरोपियन कंट्रीज़ भारत में आते गए, और जिन्होंने लंबे समय तक हमारे ऊपर राज किया वो आप सभी जानते हैं, वो थे अंग्रेज़। लेकिन ये पहली यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिसका भारत में आगमन हुआ, पोर्टुगीज, और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर जाने वाले भी जो सबसे लास्ट यूरोपियन पावर थी वो भी थे पुर्तगाली ही। इस वीडियो के माध्यम से कैसे वास्को डी गामा और पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने एकत्रित की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।